जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों आज हम करने वाले क्लास मैथ की बैच चैप्टर आपका 2 एक्सरसाइज बच्चों आपके 2.1 और क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका 6 है। दो नंबर के आपका टोटल 3 जो है दो नंबर का बच्चे आपके पेपर में आता है तो लिखा है कि मदरजा तकरारी अदाद को रबता करता है पी ओवर क्यू पी बटा क्यू को जाहिर करे जबकि पी क्यू और क्यू बराबर नहीं है सही बराबर नहीं है सिफर के सही अदाद यानी पी क्यू ये वाला है और क्यों बराबर नहीं सिफर के। तो बच्चों आपके पास ये पहला जो है 0.5 इसके ऊपर बार के लगत लगा दी गई है और इस तरह दूसरा आपका जो है 0.13 इसके ऊपर बार के लगत लगा दी गई है। तो बच्चों देखिए 0.5 ये आपका पहला जो है तो सबसे पहले आपने इसको फर्ज कर रहे हैं x बराबर फर्ज कर रहे हैं y के बराबर फर्ज कर रहे हैं किसी ना किसी वैल्यू के बराबर बच्चे आपने फर्ज करना होता है। अब बच्चे आपने इसका फर्ज जो होता है ये खत्म कर देना बार के लगत को खत्म कर देना है और इसको आगे कम से कम 2 से 3 दफा आपने लिख देना है और इसको प्रश्न नंबर यानी सवाल नंबर 1 नाम देना है। अब बच्चे आपने देखना है कि आपके इशारिया की दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। ऐसा शेयर कर इस सवाल में देखा जाए तो आपका इशारिया की दाएं तरफ सिर्फ 1 हिस्सा है। जब आप बच्चे आपके इशारिया की दाएं तरफ 1 हिस्सा हो तो आपने इस रकम को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी मुसावात लिखना बच्चे आपने है मुसावात वन के तरफैन को 10 से जरब देने से। तो बच्चों आपने दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करना याद रखना है कि इसके लिए आपने देख लो तो शारीरिक दायर तो कितने आपके पास हिस्से हैं तो ये भी आपके पास उत्तर आ जाएगा 10 है 0.555 ……। अब बच्चों जब बच्चे होते हैं 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.5 से तो आपके पास आ जाएगा जी ये बच्चे 5 ही आ जाएगा। ठीक है जी और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ये इशारिया आपका इसको मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो आपका इशारिया भी इनसे आगे चले आपके पास आ जाएगा 5.5 और 5। ठीक है तो बच्चे इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 ये मुसावात नंबर आपने 2 नाम देने बच्चे इसको दोबारा देखें कि सबसे पहले आपने फर्ज करना है ये x के बराबर है इसके बाद आपने बार के लगत को खत्म कर देना और 5, 5, 5, 2 या 3 से 4 दफा आप लिख देना है। इसके बाद आपने देखा इशारे के दायरे तरफ कितने हिस्से हैं इस तरह के इशारे के दायरे तरफ आपके 1 हिस्से है तो इस मुसावात को ये मुसावात 1 को आपने दोनों तरफ 10 से इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरी रकम को बची है x लिखना था 10 इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड को भी और इसके राइट साइड को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 10x। ठीक है जी और इस तरह मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 5.5। अब आपने मुसावात 2 से मुसावात 1 को आपने तफरीक कर देना है ये बच्चे आपने साथ साथ लिखना भी होता है मुसावात 2 से मुसावात 1 को तफरीक करने से। तो बच्चे लेफ्ट साइड से निकल जाएगी आपकी तो लेफ्ट साइड में इसके लिखा होगा 10x आपके हैं और इस तरफ अगर देखिए तो आपके पास x है। इसी तरह आपने पहले 2 को लिखना है 5.5 ब्रैकेट बच्चे लाजमी लगानी है इसके बाद माइनस की अलामत है इसके बाद ऊपर आपका 0.5, 5 और 5। तो जब 10x में से 1x आपको निकल जाएगा तो बच्चे आपके पास 9x और इस तरह का वैसे जब इसको निकाला जाएगा तो ये देख रहे हैं ये एक जैसा हिस्सा है ये भी एक जैसे तफरीक हो जाएगा तो बच्चे आपके पास बाकी बच जाएगा 5। आपने कीमत x की निकालनी है तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा x बराबर आपके पास आ जाएगा 5/9 और यही बच्चों आपका आंसर है बच्चे 2 नंबर का क्वेश्चन। बच्चे अब इस तरफ आ जाएंगे आपका जो नंबर 2 है तो उसी तरह ही आपने इसको हल कर जिस तरह आपने पहले जो इसको हल किया है 0.13 बार लिखा है सबसे पहले आप इसको फर्ज कर रहे हैं कि बराबर x के x बराबर 0.13 बार के लगत लगा दी गई है। अब बच्चे आपने बार के लगत को जो होता है वो खत्म कर देना उसी तरह लिखना 0.13 13 और 13 तीन दफा लिखिए कम से कम 4 दफा आपने 3 या 4 दफा बच्चे आपने लिख लेते हैं। अब आपने देख रहे हैं कि इस मुसावात के दाएं तरफ कितने हिस्से बच्चे देख रहे 2 हिस्से हैं तो इसलिए मुसावात 2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड को भी बच्चे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इसी तरह इसकी राइट साइड जो होती है इसको भी आपने उसी 100 से ही यानी 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके लिख लीजिए मैं बच्चे आपको लिखना भी पड़ेगा मुसावात 1 के तरफैन को 100 से जरब देने से। ठीक
ठीक है जी। तो आपने इसके राइट साइड को भी 100 से बच्चे मल्टीप्लाई कर दे, राइट साइड को ये सिर्फ के ब्रैकेट बच्चे आप पास में लगा दिए, और ये आपके पास आ जाएगा इसमें 100x से 100x, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई बच्चे किया जाएगा तो आपका शरीर बहुत से आगे चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 13 और 13। इसको बच्चे आप प्लान दे रहे हैं मुसाबा नंबर 2, अब मुसाबा 2 से आप मुसाबा 1 को डिफरेंट कर दे रहे हैं, मुसाबा सेकंड ये 2 से मुसाबा 1 को तफरीक करने से। बच्चे आप चाहे तो उसको ये भी लिख सकते हैं मुसाबा 2 के तफैन से मुसाबा 1 के तफैन को तकसीम करने से, या इस तरह लिखने बच्चे दोनों सूरतों में आपका ठीक है। तो मुसाबा 2 की राइट साइड आपके बच्चे लिखी हुई 100x है, जब इसकी राइट साइड देखिए मुसाबा 1 की तो बच्चे ये आपके पास x है, आप इसके जो कि राइट साइड की तरफ आ जाए तो आपके पास 13 आगे फिर 13 और 13 डॉट डॉट है, इसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और माइनस की अलामत लगानी है, और उसके बाद 1 की राइट साइड जो है आपके पास 0 13 13 और 13, यहां पे 3 दफा लिखे तो बच्चे आपको इधर भी 3 दफा ही लिखना पड़ेगा। अब 100x में से x निकल के आएगा, x निकल जाए तो आपके पास आ जाएगा 99x, और इसी तरह ये बच्चे देखिए इशारे के बाद दोनों एक जैसे है तो ये से तफरीक हो जाएगा, तो आपके पास या तो 0 आएगा 13 0 लिखी हुई बल्कि आपके पास 13 ही आ जाएगा, नाले को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें क्योंकि हमने x की कीमत निकाली है, आपका कट जाएगा बच्चे x आपके पास आ जाएगा 13/99 13/99 जी। बच्चे अब हम इसके चलते हैं जो जो कि तीसरे जो की तरफ, वो भी दूसरे जो की तरह ही है आपका है जो कि आपके पास दिया गया है 0.67 बार। बच्चे ये आपके पास सवाल है, इसको सबसे पहले उसी तरह हम लिखने का फर्ज किया कि यदि आपने इसको x के बराबर लिख लेना 0.67 उसके बार के अलावा तो आपने पहले शर्त रख दी है, अब हम बार के अलावा को खत्म कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.67 67 और 67। अच्छे इसको आप नाम दे देना है 1, एक दफे इशारिया लगा रहे हैं बाकी आपने जोड़ा उसी तरह लिख देना है, यानी बार के अलावा को जो ही आपने खत्म बार के अलावा दोबारा पीछे आपने करना आपका गलत हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इशारिया की दाएं तरफ कितने इंच है, इस रकम में इशारिया की दाएं तरफ 2 इंच है, इसलिए मुसाबात को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, मुसाबात 1 के तफैन को लिख लें या सिर्फ मुसाबात लिख दें मुसाबात 1 के, तो 100 से सर बच्चे दोनों सूरत में आपका ठीक हो जाएगा। तफैन को 100 से जरब देने से दोनों तरफ से बच्चे आपने मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू x आप लिखेंगे, और इस तरह ये आपका 100 × 6.67 67 67 डॉट डॉट और चीज बस अभी मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चे आपके पास आ जाएंगे 100x, और जब ये अंदर वाली रकम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इशारिया आपका 2 से आगे चला जाएगा, बच्चे आपके पास 67.67 और 67 इशारिया इधर चला जाएगा, तो ये बच्चे आपके पास आ जाते हैं और ये आपके पास जाएगी मुसाबात नंबर 2 बन जाएगी। अब आपने मुसाबात 2 से मुसाबात 1 को तफरीक कर देना है, मुसाबात 2 से मुसाबात 1 को तफरीक करने से, तो लेफ्ट साइड आपके बच्चे लेफ्ट साइड से निकल जाएगी, ये आपका 100x है 100x माइनस आपका x आ जाएगा, और मुसाबात 2 ही आपने बच्चे ऊपर रखनी है, ये अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि मुसाबात 1 से 2 को तफरीक कर देते, बच्चे आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है, डॉट डॉट लगाना है माइनस की अलामत लगानी है, अब मुसाबात 1 की राइट साइड जो की है अब आपने वो लिखनी है, इस तरह इसके साथ में आपने डॉट डॉट लगा रहे हैं 100x में से 1x निकल जाएगा, आपके पास बच्चे बाकी बच जाएगा 99x, इसी तरह इस रकम में से रकम निकालेंगे तो ये देख रहे हैं आपका एक जैसी रकम है तो तफरीक हो जाएगी, तो 0 आपके पास बाकी बचते हैं, तो आप 0 साथ में लिखना या तो 6 पॉइंट या आपके ये इशार प्लस इशारे 0 ये लिखेंगे बच्चे, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं आप ना लिखे, बस आप सिर्फ देखते रहे तो बटा कर दे 99 क्योंकि हमने कीमत x की लगानी है, तो ये 99 आपके कैंसिल हो जाएंगे और x बच्चे बराबर आपके पास आ जाएगा 67/99 67.99 जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।